please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ी तादाद में जुटे लोग एक ट्रैक्टर के शोरूम में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि वहां एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी से शोरूम में आग लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैली और उसकी चपेट में पूरी इमारत आ गई। बताया जा रहा है कि वहां पास में ही एक मैरिज हॉल में आतिशबाजी हो रही थी, जहां से चिंगारी ट्रैक्टर शोरूम तक पहुंची। आरोपी की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां देर से पहुंची। हालांकि दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कई ट्रैक्टर भी शामिल हैं। आसपास में कोई नुकसान नहीं और किसी तरह की जनहानि भी नहीं है, जरूर जलने का संज्ञान आया है। दमकल कर्मियों के साथ पुलिस की टीम भी आग बुझाने में जुटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीढ़ियों पर बैठे कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करने लगे। विधानसभा की कार्यवाही तय समय से 3 दिन पहले ही स्थगित कर दी गई, जिसके विरोध में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्योंकि कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की ये मांग मानने के बजाय मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंच गए और सबसे पहले विधानसभा के बाहर लगी महात्मा गांधी प्रतिमा पर सूत की माला चढ़ाई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की तरह कुर्सी पर बैठाकर उनकी आंख पर काली पट्टी बांधी गई और उनके कान पर हेडफोन लगाकर स्पीकर के खिलाफ सांकेतिक गुस्सा जाहिर किया गया। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव माना ही नहीं, ना ही उस पर कोई चर्चा हुई। विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों की अगुवाई नेता विपक्ष अजय सिंह कर रहे थे, जिनका आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जानबूझकर मॉनसून सत्र की कार्यवाही 3 दिन पहले ही खत्म कर दी, ताकि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न करानी पड़े। साथ ही कांग्रेस ने सदन का कामकाज ठीक से न चलाने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया। ये सरकार ने और मंत्रियों ने खुद ने हाउस को बाधित करने की स्थिति बनाई है और सरकार इससे भगी है। कांग्रेस के इस हमले का जवाब देने में सरकार भी पीछे नहीं रही और मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। जब उन्हें मौका मिलता है कि विधानसभा में वो सकारात्मक बात करें तो उससे वो भगते हैं। विधानसभा परिसर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन 2 दिन और चलेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सहस्त्रकुंड में झरने के सामने सेल्फी लेने के चक्कर में 2 आदमी गहरे पानी में गिर गए। दरअसल बारिश की वजह से झरने की धार काफी तेज थी, जिसकी वजह से दोनों युवकों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों आदमियों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना के 2 पायलट पैराशूट के जरिए नीचे आते दिखाई दिए। ये दोनों पायलट उस सुखोई विमान में सवार थे जो नासिक के गांव में हादसे का शिकार हो गया, लेकिन विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही सुखोई 30 एमकेआई में सवार दोनों पायलट सीट इजेक्टर के जरिए बाहर निकल आए और पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर गए। विमान क्रैश होने के बाद हादसे वाली जगह से देर तक धुआं उठता नजर आया। हादसे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसमें कई अपने मोबाइल पर क्रैश हुए सुखोई विमान का वीडियो बनाने लगे। बताया जा रहा है कि क्रैश होने वाला सुखोई विमान टेस्ट उड़ान पर था और उसने नासिक के पास ओझर एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे के कुछ ही देर बाद वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचा, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। वायुसेना ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाकों के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्विट्जरलैंड की हेलीमिशन फाउंडेशन नाम की एक संस्था से एक समझौता किया है, जिसके तहत हेली एम्बुलेंस के नाम से एक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी। समझौते के तहत हेली एम्बुलेंस की सेवा के लिए लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस सेवा की जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्य के कई हिस्से खराब मौसम में बड़े अस्पतालों से कट जाते हैं। खासतौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी की सड़कें बर्फबारी के समय पूरी तरह बंद हो जाती हैं। तो राज्य के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सड़कें अब तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक हेली एम्बुलेंस की सुविधा को राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा और जहां भी एम्बुलेंस पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा वहां हेलीकॉप्टर भेजकर मरीजों को अस्पताल तक लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डूंगरी नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लड़कों को रस्सी की मदद से बचाया जाने लगा। बताया जा रहा है कि नदी में नहाने गए दोनों लड़के अचानक जलस्तर बढ़ने से उसमें फंस गए।
जिन्हें पहले इलाके के लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस की टीम को बुलाया गया। इसके बाद नदी के एक छोर पर खड़े लोगों ने पुलिस वालों की मदद से दोनों लड़कों तक रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई। नदी के तेज बहाव में फंसे दो लड़कों में एक ने पहले रस्सी के सहारे चलकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से उसे कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बाद में दोनों लड़कों ने रस्सी पर रेंग कर नदी को पार किया। इस दौरान पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए लोगों की भीड़ नदी के आसपास इकट्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मुस्लिम लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने एक पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंची। एमए की डिग्री ले चुकी इस लड़की का आरोप है कि उसके पिता ने आगे की उसकी पढ़ाई पर पाबंदी लगा दी और साथ ही उसके घर से निकलने पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद ये लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई। लड़की की ख्वाहिश प्रोफेसर बनने की है, लेकिन आरोप है कि इसके पिता को उसकी पढ़ाई मंजूर नहीं। लड़की ने पढ़ाई रोकने के लिए अपने पिता पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। हमारी कोचिंग बंद हुई है, हम तो कहीं जाने नहीं देते हैं, शादी के लिए जा रहे हैं। हाथों में अपनी किताबें लेकर दफ्तर पहुंची लड़की ने पुलिस अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। जो भी लीगल एक्शन होता है हम लोग इसके लिए पूरी पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता। पुलिस अधिकारी ने लड़की की आपबीती सुनकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया और उसके परिवार से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी की खबरों के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं और अगर आज वो स्वीकृति दे दें तो ये लोग पाला बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो बार बार अपने स्वार्थ के लिए पलटी मारते हैं, ऐसे में उनकी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तेजस्वी का दावा है कि बिहार में बीजेपी भी नीतीश से खफा चल रही है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी विधायक लोग हैं जो संपर्क में हैं, कई नेता भी हैं वो संपर्क में हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये माहौल जो है लोगों को ये देखने का मिलेगा और सब लोग असल में परेशान हैं। अब बताइए एक ऐसे नेता के पीछे कैसे लोग चल सकते हैं जो हर बार दल बदलू का काम करने का काम करे, हर बार पलटी मारने का काम करे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक एम्बुलेंस में आग लग जाने के बाद लोग उस पर पानी डालने लगे। सड़क पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद मरीज और बाकी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और कोई कुछ समझ पाता तब तक एम्बुलेंस धुंधू कर जलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने जलती हुई एम्बुलेंस पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। आग बुझाने के बाद भी जली हुई एम्बुलेंस को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल फोन के कैमरे से एम्बुलेंस का वीडियो भी बनाते दिखे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले नासिर खान जंजुआ ने NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नदी में गिरी एक कार में सवार 5 लोग बह गए जबकि एक को बचा लिया गया। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के मीडिया इंचार्ज सुधीर यादव ने बताया कि अगले साल 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद पार्टी के CM उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते हुए केंद्र सरकार के 4 साल के कार्यकाल को अघोषित इमरजेंसी बताया। जेटली साहब की और मोदी जी की आदत हो गई है, कांग्रेस को गालियां देने से ही उनको वोट मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में AIADMK के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में ही सुनवाई के लिए एक और जज की नियुक्ति कर दी। पंजाब सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के रेप के आरोपी को फांसी की सजा देने के कानून को मंजूरी दे दी। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू के उस सीन को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें रणबीर पत्रकार से सेक्स वर्कर्स के साथ उनके संबंधों का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो सड़क पर फेंकी गई एक बोतल को किक मारकर फेंकने वाले की कार में डाल देती है। RJD नेता तेज प्रताप यादव जल्द ही एक फिल्म में नजर आएंगे जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। तेज प्रताप पुकार रहा है, तुम्हें तेज प्रताप पुकार रहा है, तेज प्रताप पुकार रहा है, जनशक्ति को पुकार रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग की वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर